आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह लगातार अयोध्या में राम जन्मभूमि के जमीन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के सामने सवाल खड़ा करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज उन्होंने बताया है कि महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट ने 1500 बीघे जमीन खरीदी और 1500 बीघे जमीन ट्रस्ट ने खरीदने के बाद अब उस पर जो भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं, जो वहाँ के मौजूदा विधायक हैं, वो मिलकर आज उस पर प्लॉटिंग कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि प्रयागराज से ढुड़ई ने आकर 21 बीघे जमीन पहले वो जो दलितों से खरीदते हैं और फिर खरीदने के बाद वो उस जमीन को ट्रस्ट को दान कर देते हैं। तमाम सवाल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उठाया है। उन्होंने कहा है कि जब सारे कागज हैं, सारे साक्ष्य हैं, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार देर क्यों कर रही है? आखिर कब कार्रवाई करेगी? आखिर कब जो है राम जन्म भूमि के नाम पर लोगों को और जो चंदा आ रहा है, चंदा को लेकर भी उन्होंने पिछले दिनों सवाल उठाए थे कि जिस तरीके से चंदा के पैसों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहीं पर आज उन्होंने जमीन की खरीद फरोख्त पे भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार क्यों विलंब कर रही है, क्यों जो है उन पर कार्रवाई नहीं कर रही। क्या कुछ संजय सिंह ने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये अचानक प्रॉपर्टी डीलर बन जाता है और इन लोगों को जमीनें बेचना शुरू करता है। कितने में? 12,35,000 राधे श्याम को जमीन बेचा। और बड़ा गहरा रिश्ता है सुल्तान अंसारी का, नाम आप लोगों को याद है ना, इसमें भी गवाह सुल्तान अंसारी है। चंपत राय का चहेता सुल्तान अंसारी यहां भी मौजूद है गवाह के तौर पे। इसके बाद ये 33 लाख की जमीन, 13 लाख की जमीन, फिर ऐसे ऐसे करके ये जमीन महर्षि, सब जगह महर्षि का नाम लिखा हुआ, सारे ये महर्षि वाले सब ये प्लॉटिंग करके बेच रहे हैं। ये इतनी सारी जमीनें हैं, किसका नाम लो। अंत में एक आध नाम शायद आपको याद आ जाएगा कि कौन है ये व्यक्ति। ये है इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी, उर्फ भारतीय जनता पार्टी के विधायक, और इनका एक ट्रस्ट है माँ शारदा ट्रस्ट। निकालिए भाई, इसी में कागज है, माँ शारदा ट्रस्ट। हाँ, ये इनका ट्रस्ट है माँ शारदा ट्रस्ट। ये तो ये इतने सारे लोगों को रामायण का प्रचार प्रसार करने के लिए जो संस्था बनी है, जिस संस्था ने धर्मार्थ शैक्षिक संस्थान खोलने के लिए 1500 बीघे जमीन खरीदी, वो प्लाटिंग कर करके बेच रहा है अधिकारियों को, बीजेपी नेताओं को, मेयर को, बड़े बड़े लोगों को, और अरबों रुपए का भ्रष्टाचार कर रहा है, अरबों रुपए का। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आदित्यनाथ जी, जो आपने जांच की कमेटी बनाई है, आप एक तरीका आपने सीख लिया, किसी भी मामले में SIT बना के मामले को ठंडे बस्ते में डालो, ये काम बंद कीजिए। इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड SIT से करानी चाहिए, और जितने भी अधिकारी और जितने भी विधायक इसमें शामिल हैं, सबको उनके पद से तुरंत हटाइए, तुरंत उनका इस्तीफा लीजिए, और तब इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये सारे के सारे बेईमान जो प्रभु श्री राम के नाम पर घोटाला और जमीन की जालसाजी कर रहे हैं, ट्रस्ट की जमीन किसी को बेचने का अधिकार नहीं, ट्रस्ट की जमीन को प्लाटिंग करने का अधिकार नहीं, ट्रस्ट की जमीन पर धंधा करने का अधिकार नहीं। आप बताइए, दलितों की जमीन लेकर और उस पर उसको दान, दोनों लोगों की आस्था प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने में है। इस देश के करोड़ों लोग अपना पेट काट के मंदिर निर्माण के नाम पर चंदा दे रहे हैं, और भाजपाई और उनके अधिकारी करोड़ों रुपए का घोटाला और जमीन की जालसाजी करने में व्यस्त है। यह है वो तमाम गाटा संख्या जिसको लगभग 1500 बीघा जमीन इन्होंने खरीदी है महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट। अब ये ट्रस्ट बना किस लिए, पढ़िए, महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट। रामचरितमानस के ज्ञान का प्रचार करने के लिए, रामायण और आधुनिक विज्ञान दर्शन के बीच सहसंबंध का पता लगाने के लिए, राष्ट्रीय आपदाओं के बाद के मौकों पर राहत प्रदान करने के लिए,
किसी भी कार्य को बड़े पैमाने पर आम जनता के लिए करना परम पावन महर्षि योगी के आदर्शों और दर्शन के प्रसार के लिए, किसी भी अन्य कार्य को करने के लिए जो ट्रस्ट की किसी भी वस्तु को प्राप्ति के लिए आकस्मिक सहायक हो, ये इनके ट्रस्ट का उद्देश्य है। और ये कर क्या रहे हैं, ये इनके ट्रस्ट का उद्देश्य है। महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट, अब ये ट्रस्ट कर क्या रहा है, प्रयागराज के रहने वाले रोंघई 21 बीघा जमीन आकर अयोध्या में खरीदते हैं माझा बरहटा गांव में दलितों से, क्योंकि दलित ही दलित की जमीन खरीद सकता है। तो रोंघई प्रयागराज से आते हैं अयोध्या, 90 के दशक में 21 बीघा जमीन खरीदते हैं अलग अलग लोगों से, और वो 21 बीघा जमीन खरीदने के बाद अचानक इतने अमीर हो जाते हैं कि अपनी सारी जमीन महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट को दान कर देते हैं। यह है वो दान पत्र का कागज, 10 रुपए के स्टाम्प पे अपंजीकृत कागज, ये 21 बीघा जमीन दान कर देते हैं महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट को, रुपए में, 5,000 रुपए में, ऐसे ऐसे करके खरीदी गई। वो सारे कागज यहीं पे हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। अब ये जो ट्रस्ट है जिसका उद्देश्य रामायण का प्रचार प्रसार है, वो प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के फैसले आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद, ये ट्रस्ट प्रॉपर्टी डीलर बन, जो कुसुम पाठक और हरीश पाठक से चंपत राय जी ने 8 करोड़ रुपए में खरीदी राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लिए, 8 करोड़ रुपए में ये जमीन इन्होंने खरीदी, गाटा संख्या 242-1, 242-2, और ये जमीन जो 8 करोड़ रुपए में इन्होंने कुसुम पाठक और हरीश पाठक से खरीदी चंपत राय जी ने, इसमें भी गवाह कौन है ये आपको दिखा देता हूं। ये चंपत राय जी ने खरीदी और इसमें गवाह है इनके प्रिय चहेते अनिल मिश्रा जी जो ट्रस्ट के सदस्य हैं। अब इसमें आ जाइए, ये जमीन जो 8 करोड़ रुपए में कुसुम पाठक और हरीश पाठक से खरीदी गई, ये जमीन राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट के द्वारा, चंपत राय जी के द्वारा, इस जमीन का एक हिस्सा जिसकी मालियत 33,40,000 रुपए है, ये इस जमीन का हिस्सा दान कर देते हैं चंपत राय जी। 33,40,000 रुपए की ये जमीन का, उसी जमीन का एक हिस्सा, गाटा संख्या, भूमि संख्या 242, ये दान कर देते हैं।